बस स्टैंड के समीप तेज रफ्तार कार चालक ने सड़क से गुजर रही एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिससे गुस्साए परिजनों ने एसके मार्ग पर महिला का शव रखकर जाम लगा दिया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों व ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। करीब दो घंटे बाद डीएसपी रादौर रजत गुलिया व डीएसपी यमुनानगर राजीव द्वारा अज्ञात कार चालक की जल्द धरपकड़ के आश्वासन पर लोगों ने जाम खोला। छोटाबास निवासी करीब 55 वर्षीय जसमेरो देवी अपनी रिश्तेदारी में गांव चाहड़ वाला एक शादी समारोह में भाग लेने गई हुई थी। जब वह बस से वापस लौटी और बस स्टैंड से अपने घर की ओर पैदल जा रही थी, तो पीछे से तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो कार चलाता हुआ एक कार चालक आया और उसे टक्कर मार दी। कार की टक्कर से जसमेरो देवी गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे और शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। परिजन इस बात पर अड़ गए कि आरोपित वाहन चालक को पकड़ा जाए और उसके विरुद्ध ठोस कानूनी कार्रवाई की जाए। मौके पे था, मैं स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसको गाड़ी पंचर था, हाइब्रिड गाड़ी लेके जा रहा था वो, तो बुढ़िया के मौके पे मौत हो गई। पीछे टक्कर मारी, बुढ़िया बेचारी यहाँ गिरी रोड पे टक्कर से, और वो गाड़ी से मतलब गिर पड़ी। उसके बाद में वो गाड़ी वाला हाइब्रिड लेके भाग गया। तो लेडीज थी हमारे गाँव की, थी छोटे बांस की, और जो स्कॉर्पियो गाड़ी वो वाइट कलर की आइडेंटिफाई की गई है, जो कैमरे में मिल गई है। और डीएसपी साहब रादौर, डीएसपी साहब यमुनानगर ने पूरा आश्वासन दिया है कि कल तक, आज सुबह एसएचओ रादौर की ड्यूटी लगा दी है कि रात को ही उसको गिरफ्तार करने का कोई समाधान निकाल लेंगे, कि ताकि गाड़ी का पता लग सके, क्योंकि गाड़ी में पंचर था। और यहीं पे गाड़ी पर हमने भी दो तीन कैमरे अपने आप सर्च किए हैं, उसमें नंबर आइडेंटिफाई करके जल्द से जल्द कल सुबह होते ही, जैसी बॉडी पोस्टमार्टम ओके आती है, उससे पहले ही उसका समाधान पुलिस ने अपने आश्वासन दिया है कि हम यहाँ से भी कार्रवाई खत्म करेंगे। करीब दो घंटे बाद डीएसपी रादौर रजत गुलिया व डीएसपी यमुनानगर राजीव द्वारा अज्ञात कार चालक की जल्द धरपकड़ के आश्वासन पर लोगों ने जाम खोला। बता दें कि एसके मार्ग लंबे समय से खस्ता हाल है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा इस मार्ग की सुध न लिए जाने के कारण लोगों में रोष है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स।